हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस कंप्यूटर क्लास। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशल सीखने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में किसी भी इंस्टीट्यूट का बिल कैसे बनता है या रसीद कैसे बनता है, मैं आज आपको MS Excel में आज मैं आपको बना के बताऊँगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपका हेल्पफुल रहेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपना MS Excel को ओपन करना है। चलिए हम ओपन करते हैं। ठीक है, हमारा MS Excel यहाँ पे है। चलिए अब हमें कुछ लाइन को सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और गिन के हम 5 लाइन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह हम कुछ दूर तक से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें इस पर जाना है, हमें इस पर करना है मर्ज अक्रॉस पे। ठीक है, हमारा ये मर्ज अक्रॉस हो जाएगा। अब हमें सेकेंड लाइन पे आना है। अब इस पे हमें अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। ठीक है, तो मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा। अब फिर हम नीचे आएंगे, इस पे मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे हो चुका है। फ्रेंड्स, चलिए अब इसे थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। और जैसा आप इसे कलर फिल करना चाहें ऐसे कलर कर सकते हैं। नीचे वाला को भी थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे, इसे भी हम बोल्ड कर देते हैं, इसे भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अभी चलिए इस पर थोड़ा सेंटर मिला देते हैं, इसे इसे हम इससे सेंटर पर ले आएंगे। और यहाँ से इसके इसे भी हम सेंटर पर ले आते हैं। ठीक है, हमारा हो गया। फ्रेंड्स, अब हमें नीचे वाले कॉलम पर आना है, इस पर हमें अपना एड्रेस डालना है। तो मैं अपना एड्रेस नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ ADD कर देता हूँ। आपका यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है। ठीक है, फिर से हमें नीचे वाले कॉलम पर आना है, इस पर हमारा मोबाइल नंबर होगा। तो मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं M.NO लिख देता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमें नीचे वाले कॉलम पर आना है। ठीक है, कुछ हम यहाँ पर आते हैं, इस दो लाइन को सिलेक्ट करते हैं और हमें इस पे जाना है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ऑप्शन होगा ऑल बॉर्डर्स पे, इस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारा ये ऑल बॉर्डर हो जाएगा। अब हमें इस पे आना है, इस पे हमें लिखना है सीरियल नंबर। ठीक है, तो सीरियल नंबर। ठीक है, हमारा ये हो चुका है। फिर हमें इस पे आना है इधर, इस पे हम दो लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हमें ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें डेट लिखना है। ठीक है, ठीक है, हमारा यहाँ पे डेट हो जाएगा। उसके बाद हमें नीचे आना है, यहाँ पे हमें इस पर लिखना है रिसीव्ड। ठीक है, मैं लिखता हूँ RECEIVED रिसीव्ड। रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम। ठीक है, हमें स्पेस छोड़ के इससे हमें डैश दे देना है जगह पे। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम हो जाएगा। ठीक है, और हम नीचे भी जगह छोड़ देते हैं, यहाँ पे उसका एड्रेस हो जाएगा स्टूडेंट का। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से हमें नीचे आ जाना है। अब हमें इस पर लिखना है। ठीक है, हमें एक कॉलम छोड़ देते हैं, हमें नीचे आते हैं, इस पर हमें लिखना है कोर्स नेम। ठीक है, ठीक है, हमारा ये कोर्स नेम यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर उसका कोर्स नेम आ जाएगा, चाहे कोर्स नेम चाहे वो अगर कोई भी क्लास में हो, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी क्लास में होगा वहाँ पर वो आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ये पेमेंट होगा, पेमेंट ऑफ वो किस महीने का वो पेमेंट देगा यहाँ पे, तो यहाँ लिखा जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जिस महीने का वो पेमेंट देगा। ठीक है, मैं यहाँ पर मंथ भी लिख देता हूँ साथ में। ठीक है, मैंने यहाँ मंथ भी लिख दिया। ठीक है, अब हमें फिर से नीचे आ जाना है। अब हमें इस पर लिखना है क्लास स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, क्लास स्टार्ट फ्रॉम वो कब से क्लास को स्टार्ट करेगा, तो वो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें आगे लिखना है क्लास डे, वो किस दिन क्लास करेगा वो यहाँ पर आएगा क्लास डे उसका।
ठीक है। और एक आएगा क्लास टाइम, वो किस टाइमिंग में आएगा, तो यहाँ पर उसका लिखा आएगा क्लास टाइम। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमें यहाँ नीचे आ जाना है। ठीक है, अब हमें दो लाइन को सेलेक्ट करना है और हमें थोड़ी तीन लाइन सेलेक्ट करेंगे इस तरह। यहाँ पर जाना है ऑल बॉर्डर्स पे। ठीक है, यहाँ पर हमें लिख देना है फी अमाउंट। ठीक है, लिख देते हैं फी अमाउंट। ठीक है, अब हमें नीचे आ जाना है, इस पर हमें लिखना है फ़ाइन अमाउंट। अगर वो बच्चा किसी महीने में लेट से फ़ी जमा करता है तो उसका फ़ाइन भी शायद आपके इंस्टीट्यूट में लगता होगा, तो वहाँ पर लिख सकते हैं फ़ाइन अमाउंट, अदरवाइज़ आप नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नीचे हमें लिखना है टोटल अमाउंट। ठीक है, मेरा टोटल अमाउंट यहाँ हो गया। फिर से हमें इससे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऑल बोर्डर्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर उस बच्चे का फ़ी आ जाएगा, चाहे वो जितना भी फ़ी हो, 400, 500, 1200, 1500, जो भी फ़ी आएगा यहाँ पर आ जाएगा, उसका फ़ाइन कितना लगेगा और हमें टोटल यहाँ पर बता देना है। ठीक है, फिर हमें यहाँ नीचे आ जाना है, फिर हमें लिखना है अमाउंट इन वर्ड, अमाउंट इन वर्ड। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड, ठीक, इसे हम ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, अमाउंट इन वर्ड हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अमाउंट इन वर्ड, आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर हमें नीचे आ जाना है, मैं थोड़ा आपको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे सब। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारा हो गया। फिर हमें नीचे वाले कॉलम पर आना है और मैंने एक चीज़ यहाँ पे कॉपी करके रखा था तो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। आप इसको भी अपने फ़ी में जो फी स्लिप है उसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, फ़ी इज़ नॉट रिफंडेबल एंड नॉट एडजस्टेबल, सेकेंड स्टूडेंट शुड बी केयरफुल अबाउट कैश रिसीव स्लिप फॉर द फ्यूचर, उसको संभाल कर रखना है स्लिप को। पेमेंट शुड बी मेड बिफोर 10th एवरी मंथ, अदरवाइज फाइन विल बी चार्ज अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। आप ये सब भी लिख सकते हैं या तो अदरवाइज आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमें इस यहाँ पर आना है, हमें सेलेक्ट करना है और फिर हमें इस पर जाना है और मर्ज अक्रॉस, इस पर हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर हमें इस पर लिखना है कैशियर सिग्नेचर। ठीक है, मैं लिखता हूँ कैशियर सिग्नेचर, मैंने कैशियर सिग्नेचर यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और हमें इस तरह यहाँ पर कुछ बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें जाना है और हमें ये कर देना है मर्ज सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाइट हो जाएगा, यहाँ पर कैशियर का साइन हो जाएगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, हमारा ये बिल बन चुका है और यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, जो भी उस स्टूडेंट का नाम होगा यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, यहाँ कोर्स नेम आ जाएगा, पेमेंट क्लास टाइम सब आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज़ और इसमें करना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इस तरह इसको सिलेक्ट कर लेते हैं पूरे को, ठीक है, मैंने पूरे को इस तरह सेलेक्ट किया और यहाँ से कोई भी कलर चाहे तो कर सकते हैं। जैसे येल्लो, मैं येल्लो करता हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना फ्रेंड्स। तो इस तरह आप किसी भी इंस्टीट्यूट का बिल बना सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।